टाटा हैरियर फेसलिफ्ट फाइनली आ गई है हमारे सामने, और आज हम बात करने वाले हैं उसके सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, बेस वेरिएंट की। वो इसीलिए, ऐसा नहीं कि प्राइस आ गई है, लेकिन ऐसा इसीलिए है बिकॉज बेस वेरिएंट यूजुअली सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं, और टाटा हैरियर के साथ तो बेस वेरिएंट बेस लग ही नहीं रहा, ये लग रहा है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, स्पेशली एक्सटीरियर से। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि टाटा कंपनी ने कैसे बेस को बनाया टॉप, आपको जान लेना चाहिए। इसमें एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो कि बेस में आज तक नहीं मिले, और पहली बार होगा कि किसी बेस वेरिएंट में इतने ज़्यादा टॉप मॉडल वाले फीचर्स हैं। तो लेट्स बिगिन विद द टाटा हैरियर बेस वेरिएंट, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर बाकी वेरिएंट्स देखना चाहते हो तो बने रहे हमारे साथ, एक वेरिएंट एक्सप्लेन ऑलरेडी अपलोडेड है, एक एक वेरिएंट देखना चाहते हैं तो कुछ दिनों में गाड़ी के साथ हम प्रॉपर आपके लिए बेस मिडल टॉप वेरिएंट ड्राइव रिव्यूज लेकर आ जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। शुरुआत करते हैं इसके बेस वेरिएंट से। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ल्यूनर व्हाइट और एश ग्रे, दो ही कलर ऑप्शन होंगे, ध्यान रखना रेड वगैरह इसमें नहीं मिलता, जैसे कि नेक्सॉन में बेस में रेड मिल जाता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, दो कलर्स है, व्हाइट ज़्यादातर लोग लेंगे, ग्रे हो सकता है पसंद आए, बट मुझे ऑनेस्टली उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, व्हाइट ज़्यादा सही लग रहा है अगर बेस वेरिएंट ही परचेज करना है तो। बेस में अगर रेड कलर होता तो मैं फटाफट कहता फटाफट ले लेना फटाफट। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक चीज़ों की, जैसे कि इंजन 170 PS का, 350 Nm स्टॉक का, 2 लीटर का क्रियोटेक इंजन वही मिलता है जो कि पहले मिलता था, उसमें कोई किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। BS6 फेज 2 वाला ये इंजन है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ बेस वेरिएंट आपको मिलता है, बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आएगी। अगर हम व्हील्स की बात करें तो स्मार्ट हो चाहे प्योर हो चाहे एडवेंचर, यानी कि बेस से एक ऊपर उससे एक ऊपर 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, 235/65 का टायर सेक्शन मिल जाता है। स्पेयर व्हील जो है वो 235/70 R16 स्टील व्हील रहने वाला है। 445 लीटर्स की बूट स्पेस है, अगर आप सीट्स को फोल्ड कर देंगे जो कि 60-40 रेशियो में फोल्ड भी हो सकती हैं, अगर पूरा कर दोगे तो 815 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। 50 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, 5 सीटर कैटेगरी में ऑफकोर्स ये आती है। डायमेंशंस की अगर बात करें तो पहले वाली हैरियर से ज़्यादा बड़ी है, आपके लिए एक चार्ट लगा देता हूँ, पर ध्यान रखें कि रियर में ड्रम ब्रेक्स आती है, डिस्क ब्रेक्स नहीं आती, थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतनी महंगी इतनी बड़ी गाड़ी में भी ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स नहीं है। एनीवेज चलते हैं इसकी और चीज़ों के बारे में, बता दूं कि वारंटी वाइज 3 इयर्स वारंटी 1,00,000 किलोमीटर्स की आपको मिलेगी, जैसे अब टाटा की सारी गाड़ियों में, पहले 2 इयर्स की होती थी अब 3 इयर्स की होगी, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी कर दी कंपनी ने। प्लेटफॉर्म वही है तो बढ़िया है, D8 आर्किटेक्चर लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म है। चलो बात करते हैं फीचर्स की, सारी चीज़ें मिक्स बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना सब अच्छा लगेगा आपको। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, आपने अभी हैरियर देखी है उसकी LED कनेक्टेड आपको DRLs कैसे लगे, सेम मिलेंगे बेस में भी, कितनी सही बात है, बेस वेरिएंट में भी आपको LED कनेक्टेड DRLs मिलेंगे। हाँ ये ध्यान रखें कि वो ऐसे वेलकम या गुड बाय वाला फंक्शन नहीं है, वो कंटिन्यूसली ऑन रहते हैं। कनेक्टेड LED टेल लैम्प, जो टेल लैम्प का पूरा डिज़ाइन है वो आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाता है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा नई हैरियर का टेल लैम्प का डिज़ाइन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा हाईली एक्साइटेड टू सी द व्हीकल इन एक्चुअल। 17 इंचेस की आपको अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, साथ में मिल जाता है आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम फॉर द सेफ्टी, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड बहुत अच्छी बात है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील मिलेगा 4 स्पोक वाला, वो भी इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ, दैट्स रियली रियली कूल कि आपको टाटा की ब्रांडिंग पूरी मिल जाती है। इल्यूमिनेटेड लोगो हमने नेक्सॉन में देखा है, काफ़ी अच्छा लगता है, बस उस पैनल के ऊपर थोड़े से मार्क्स लगते हैं हाथ के, कोई बात नहीं। फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, वो भी आपको टच बेस कंट्रोल्स वाला जो है वो ऑफर किया जाता है, लुक्स गुड, आइसोफिक्स स्टाइल एंकर सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, और साथ में हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs भी सेफ्टी का काम है मेरे हिसाब से, उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिल जाती है ड्राइवर को, 3-point सीट बेल्ट सारे पैसेंजर्स के लिए, वो भी रिमाइंडर वाली, वो बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में मिल जाती है आपको अलार्म सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, ऑल 4 पावर विंडोज, सेकंड रो 60-40 रेशो स्प्लिट, सेकंड रो में आपको रियर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, स्मार्ट A&C टाइप चार्जर्स आपको मिल जाते हैं दोनों ही रोज में, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, यानी कि बेस वेरिएंट में रियर AC वेंट्स भी और रियर में चार्जिंग पोर्ट्स भी है ना, दैट्स रियली कूल। रूफ रेल्स तक आपको बेस वेरिएंट मिल जाते हैं जो कि आज तक मैंने तो किसी बेस वेरिएंट में नहीं देखे, और एक्सक्लूसिव पर्सोना थीम इंटीरियर, जो इंटीरियर है उसे भी काफ़ी हद तक अच्छा रखा गया है। उसका रीज़न बताता हूँ कि जो फैब्रिक यूज़ किया गया वो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, ब्लैक और सिल्वरिश, मतलब कह लो या वैसे तो लाइट ग्रे है बट उसमें थोड़ी शाइन सी लग रही है मुझे फोटोज़ में, तो अब रियल लाइफ में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा से पता लगेगा। एंड बताना ये चाहूँगा कि इस इंटीरियर की वैसे गाड़ी और ज़्यादा स्पेशियस लग रही है, वैसे इतनी बड़ी गाड़ी है और अंदर से और स्पेशियस लग रही है, हो गया ना सोने में सुहागा। रही बात अगर हम इसके फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो आप देख सकते हैं
कि स्टीयरिंग तो आपको बढ़िया मिल रहा है, इंटीरियर की फोटो देखते रहो साथ साथ, स्टीयरिंग आपको बढ़िया मिल रहा है, साथ में म्यूजिक सिस्टम किसी तरह का कोई नहीं मिलेगा बेस पीरियड, बट इट्स ओके बिकॉज बेस पीरियड में और बहुत कुछ मिल रहा है। अब देखो क्या होता है, एलॉय व्हील्स कंपनी फिटेड मिल जाए और क्या चाहिए होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि म्यूजिक सिस्टम तो आप डीलर से या बाहर से भी लगवा सकते हो, उतना फर्क नहीं पड़ता, और नो डाउट कंपनी फिटेड जो टॉप वाले आते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट अगर बेस पीरियड लेके पैसे बचते हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम बाहर से लगवाया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बेस वेरिएंट की तीन चार चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है, छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि पिछली हैरियर सीरीज ने दो चीज़ें उठाई है, एक एलॉय व्हील्स और एक उठाया इन्होंने प्रॉपर डिजिटल क्लस्टर। अब वो डिजिटल क्लस्टर आपकी टॉप मॉडल में फील भी करा देता है, एलॉय व्हील्स भी करा देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो डिज़ाइन है एलॉय व्हील्स का 17 इंचेस वाला वो पहले वाला ही है, या तो कंपनी के पास वो एलॉय व्हील्स एक्स्ट्रा पड़े हैं, उन्होंने कहा कि इन वेरिएंट्स के साथ अब करते हैं, या हर किसी को पसंद आ रहे थे। और अच्छी चीज़ ये है कि हर मतलब पर्सन एलॉय व्हील्स ले पाएगा हैरियर में एटलीस्ट, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कंपनी ने बेस वेरिएंट का भी ध्यान रखा है, बेस वेरिएंट लेने वालों का भी ध्यान रखा है। ओके, स्मार्ट वेरिएंट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप ध्यान से देखो फोटो में तो देखो लग रहे हैं रिक्वेस्ट सेंसर, वो आपको मिल रहे हैं को ड्राइवर ड्राइवर साइड दोनों। अब ये मेरे को थोड़ा सा देखना है अभी कि क्या सीन है। अब अगर हम जो कंपनी ने हमें स्मार्ट वेरिएंट की फोटो दी है उसे जूम करते हैं तो साफ साफ बॉडी कलर डोर हैंडल्स के साथ आपको क्या दिख रहा है, प्रॉपर रिक्वेस्ट सेंसर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इन फोटोज में और इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या दिख रही है कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs तो है ही है, वो आपको टर्न इंडिकेटर भी वहीं पर मिलता है, फेंडर पे नहीं है ORVM पे, तो आगे ना टॉप वेरिएंट वाली फील, ब्लैकड आउट ORVMs दिखने में अच्छे लग रहे हैं। और हैरियर की बैजिंग आपको दोनों डोर्स पे मिल जाती है, फ्रंट डोर्स पे, वो भी अच्छी लगती है। और अगर आप गाड़ी का फ्रंट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ADAS का जो सेंसर का कटआउट वाली जो ऑप्शन होती है, मतलब हाउसिंग टाइप है, वो है यहाँ पर। ऑब्वियसली ADAS फीचर्स नहीं आते बेस वेरिएंट में, बट ऐसा है ना कि फ्रंट से गाड़ी को देखते हो तो बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फील आती है। प्रॉपर LED DRLs मिल जाते हैं, ग्रिल भी वैसे मिल जाती है, साथ में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और ADAS का वो प्रॉपर ग्रिल और स्किड प्लेट भी काफ़ी अग्रेसिव इसकी लुक को बना रही है, और अलॉय व्हील तो मिल ही रहे हैं, तो उसमें से ये बेस वेरिएंट भी इतना ज़्यादा स्पेशल लगने लग गया ना, दैट्स वेरी वेरी गुड। मतलब अगर कोई अवार्ड देना हो कि बेस वेरिएंट ऑफ द ईयर, तो मैं आई थिंक टाटा हैरियर को अवार्ड दे सकता हूँ। ओके, इसमें आपको अगर आप अब इंटीरियर की फोटो देख रहे हो, इसमें आपको बड़े कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं, साथ में आपको जो अब इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, रिक्वेस्ट सेंसर है लेकिन चाबी आपको नॉर्मली लगनी है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, तो यानी कि स्मार्ट की आपको मिलेगी, सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, बट वो कहीं ना कहीं अब जब गाड़ी आएगी मैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा जब मेरे सामने गाड़ी होगी। हाइट एडजस्टेबल जो मैंने बताया कि सीट बेल्ट्स हैं वो एक अच्छी चीज़ है, 6 एयरबैग्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, रियर का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इंटीरियर की दूसरी फोटो देखिए जिसमें फ्रंट सारा नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि हैंडब्रेक अभी भी पहले वाली है, वो प्रॉपर प्लेन स्टाइल, और फैब्रिक जो है मैंने बताया आपको ग्रे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, स्पेस भी अच्छी खासी आपको नज़र आ रही है, टेम्परेचर कंट्रोल थोड़े ऊपर रखे गए हैं ताकि कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए, तो दिस लुक्स वेरी वेरी गुड। मैनुअल ORVM भी आपको यहाँ पर ईजिली नज़र आ रहा होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पता है मुझे क्या लगा कि बेस वेरिएंट में फीचर्स दे दिए इन्होंने, ये चीज़ बहुत अच्छी की। इंजन पेट्रोल और उसकी उम्मीद थी कि चलो 4x4 तो नहीं, बट मेरे को पेट्रोल की उम्मीद थी, बट मेरे को लगता है कि शायद कुछ महीनों बाद मे बी जनवरी फेब तक हो सकता है पेट्रोल 1.5 ले आए इन व्हीकल्स के साथ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब आप बताएं आपको ये बेस वेरिएंट इसका कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। मेरे हिसाब से गुड फीचर्स हैं। अगर आप इसका प्योर एडवेंचर एडवेंचर प्लस डार्क एडिशन फियरलेस के वीडियोज़ देखना चाहते हो तो कल वो भी अपलोड हो जाएंगी, यानी कि आज 7th 8th को अपलोड हो जाएगी, फिर 9th को होगी, और 14-15 तारीख तक काफ़ी हद तक आपको हैरियर सफारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।